लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें नेशनल बस और साथ ही दबाएं बेल आइकन। हरियाणा के यमुनानगर से एक बड़ी खबर सामने आई। रविवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री एवं दिग्गज नेता निर्मल सिंह के घोड़ा फार्म में एक 6 वर्षीय बच्ची का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद किसी तेजधार हथियार से उसकी गर्दन काटी गई थी। मौका वारदात से थोड़ी दूर पर बच्ची के अंडर गार्मेंट्स और चप्पलें बिखरी पड़ी मिली। एसपी ने मौके का जायजा लेने के बाद अज्ञात दरिंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर उनकी तलाश में कई टीमों का गठन कर दिया और एक सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया गया है। देखिए सर, मामला यह है कि जो छोटी बच्ची थी, इसके जो पूरा परिवार है फार्म पे काम करता है और इसके पिताजी चौकीदारे में रात के, और कल दोपहर को का ये जो इंसिडेंट है उसमें ये इसके पिताजी जो है मछली पकड़ने गए थे यमुना में, तो ये वहाँ से फार्म से निकली कि मैं पापा के पास जाऊँगी, उन्हें छतरी दूँगी, छतरी देने के लिए। तो कोई 12-12:30 बजे वहाँ से निकली है और गेट पे इसको एक और चौकीदार मिल गया, तो उसने उसको बोला आप वापस जाओ, यहाँ जाना नहीं है, तो ये वापस चली गई। लेकिन फिर किसी और रास्ते से निकल गई होगी, तो उसके बाद ये चली गई। 3 बजे वो मछली पकड़ के आए तो उन्होंने घर पे चेक किया तो थी नहीं, तो उन्होंने फिर घबराहट होगी और चेकिंग वगैरह आस पास ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन कहीं मिली नहीं। तो बस शाम को फिर एक बार पुलिस को भी इतला करी थी फ़ोन पर, तो बोले कोई बात नहीं जी, आप आ जाएँ, कंप्लेंट लिखा दें। लेकिन इसका परिवार और बाकी फार्म के सारे लोग ही थोड़ा ये थे कि बच्ची मिल जाए, कंप्लेन वगैरह तो होती रहेगी कि कहीं पर बच्ची चली जाती है, वहाँ किसी गांव में कोई चली गई, किसी का फ़ोन आ जाए, उम्मीद रहती है। तो ये ढूंढते रहे, रात को बहुत लेट तक नहीं मिली, और सवेरे जाके फिर इन्होंने ढूंढना स्टार्ट किया बहुत से लोगों ने, और इनको फिर यहाँ पर ये जो मिल गई। देखिए, एक यहीं आप देख रहे हैं 6 साल की बच्ची है, उसका शव मिला है यहाँ पर, और जो अभी हमने देखा है शव देखने से प्रतीत होता है कि का बलात्कार भी हुआ है, और प्लस बॉडी पे जो इंजरी है, इंजरी मार्क्स है, उससे देखे लगता है गला काटा गया है, जिससे उसकी मृत्यु हुई है। और क्योंकि ये फार्म है एक, और इसमें लेबर क्लास भी है, बच्चे भी, जैसे उसके माता पिता भी यहीं पर ही हैं, उन्होंने बताया कि बच्चे यहाँ पे उसका घूमना फिरना रहता था, क्योंकि यहीं पर रहते हैं, यहीं पर ही काम करते हैं। तो ये बच्चे कल दोपहर 12 बजे से, इसके पिता ने बताया, जब प्राइमरी जो हमने पूछताछ की है उसमें बताया कि बच्ची कल दोपहर को 12 बजे से मिसिंग है। उसके बाद से जो किसी को नहीं पता लगा, और इन्होंने जब किसी सबको बताया तो उसके बाद इन्होंने इसको ढूंढा भी, ढूंढने की कोशिश की, फार्म के मालिक जो हैं उनके सबके संबंधी जो हैं उन्होंने ढूँढने की कोशिश की, तो यहाँ पर बच्ची का शव पाया गया। और अब आगे हम देखते हैं इसमें क्या हमें जानकारी मिलती है उस हिसाब से। सर, रेप भी हो सकता है? देखिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बॉडी हमने जिस प्रकार से देखा है, बॉडी पे जो इंजरी मार्क्स हैं, जो जो ब्लीडिंग है, और जो बॉडी पार्ट्स की जो अभी हालत है, उससे लगता है कि हम रेप से इनकार नहीं कर सकते। बाकी जो डॉक्टरी परीक्षण है उससे क्लियर हो जाएगा। सर, कुछ लोग अराउंड अप भी है इस मामले? देखिए, अब क्योंकि ये इंटरनल मामला है, जैसे यहाँ के मालिक बता रहे हैं कि बाहर से कोई मूवमेंट नहीं है, तो संभवतः कोई अंदर का ही आदमी है। तो इनके कहने के मुताबिक ही हमने एक पुरुष को राउंड अप किया है जो हमारा मेन सस्पेक्ट है, अभी पूछताछ जारी है। हो सकता है कि मेट्रोसी में निकले या और कोई जानकारी में प्राप्त हो। बच्ची का जो कुछ उसके जो अंडर गारमेंट है वो भी एक अलग बॉडी के नज़दीक थोड़ी दूरी पर है, और कुछ जो वाइटल पार्ट है उस पर भी ब्लीडिंग है। तो इससे जो मौका पे देख के लगता है कि, और जो हमारी जो फॉरेंसिक टीम है, उनके डॉक्टर हैं, जो उन्होंने भी ये बताया है कि ये इससे इनकार नहीं किया जा सकता। नेशनल बस के लिए यमुनानगर से सुमित ओब्रोय की रिपोर्ट। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।